मधुबनी नरसंहार पर बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि जब मधुबनी में मृतक के परिजन साफ तौर पर बोल रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का हाथ रमन सेना के लोगों पर है, तो फिर सुशील मोदी किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पता कि सुशील मोदी जी किस आधार पर किसी नए लोगों का नाम का खुलासा कर रहे हैं, तब जबकि उनके परिवारजन, मृतक के पिता, पत्नी स्वयं बता चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण प्राप्त है जो रावण सेना के सेनापति के गुर्गे सहित हत्या के आरोपी है। तो अब तो स्पष्ट हो गया कि हत्या आरोपी पे आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी बचाना चाह रही है। अब तो सुशील मोदी जी अपने बयानों से यह प्रमाणित कर दिए कि सुशील मोदी जी मधुबनी नरसंहार के मुख्य आरोपी और उनके सहकर्मियों को बचाने के लिए इस नरसंहार के नया। देवघर जिले के मधुपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, बावजूद इसके सीएम हेमंत सोरेन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। आगे उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों में बेड की कमी है, पर सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। बता दें चले कि देवघर के मधुपुर उपचुनाव को लेकर सूबे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के फर्जी फेसबुक अकाउंट से लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है, जिस पर मंत्री सुभाष सिंह ने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। इसकी शिकायत उन्होंने एसपी को कर दी है, जिस पर एसपी ने जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। सरायकेला खरसावा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महाराज प्रमाणिक दस्ते के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन नक्सलियों के पास से लेवी के 5,000 रुपए, मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और एक नक्सली साहित्य बरामद किया गया। सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि महाराज प्रमाणिक दस्ते के सदस्यों की गतिविधियों की जानकारी लगातार मिल रही थी। इसकी सूचना पर कई थानों की पुलिस के साथ सीआरपीएफ 193 बटालियन ने छापेमारी की, जिसमें यह सफलता हाथ लगी है। वहीं गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद भी है।